सबसे पहले हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिवाली और गाइस। इस दिवाली के मौके पे अभिषेक के घर पे एक पूजा रखी है और आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बिग बॉस में जैसे हम जानते हैं अभिषेक आपके फ्रेंड हैं, तो उनका गेम ओवरऑल अभी आपको कैसा लग रहा है ये पूछना चाहूंगी आप दोनों से। मुझको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, डे वन से अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि अभी से अच्छा लग रहा है। और मैं ऑनेस्टली पहली बार ऐसा है कि मैं बिग बॉस को इतना ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता हूँ, कर रहा हूँ। अब मैं इंतज़ार करता हूँ कि जल्दी जल्दी रात के 10 बजे 9 बजे और एपिसोड आए और एक्चुअली एपिसोड देखूँ एक्चुअली मैं, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी इतना क्लोज फ्रेंड नहीं गया है बिग बॉस के अंदर। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, एंड जिस तरीके से वो खेल रहा है एंड सलमान सर भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं। और निभी भी ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है उसको यू नो बिग बॉस के घर में देख के। एंड अच्छा लग रहा है कि उसकी जो जर्नी है इतनी अच्छे से अनफोल्ड हो रही है। काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स भी रहे उसकी जर्नी में, एक रोलर कोस्टर सी जर्नी रही है उसके लिए। बट आई एम सो ग्लैड कि वो यू नो सीख रहा है इतना कुछ इस जर्नी से, इतना स्ट्रांग बना रही है ये जर्नी उसको। एंड ऑब्वियसली लाइक कशिश ने बोला, सब उसको अब सलमान सर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर जो फैंस है इतना प्यार इतना सपोर्ट मिल रहा है उसको, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। इस बार बिग बॉस का कंसेप्ट सिंगल वर्सेस कपल का है, तो अभी जब अभिषेक गए तो उनका नाम ज़्यादातर ईशा के साथ ही जोड़ा गया है। और उन पे जो जो सब जो एलिगेशंस लगे, सबसे पहले एग्रेसिव का, तो आपके फ्रेंड है, आप तो उन्हें अच्छे से जानते हैं, हम गुस्सा होते हैं बट वो एग्रेशन में बदलते हैं या नहीं, या उनका जो नेचर अभी ईशा को देख के इतने टाइम बाद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखो, पहले तो मुझे लगता है इस शो के अंदर ना इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिंगल वर्सेस कपल। मुझे लगता है कि ओटीटी वाले भी हैं जो यूट्यूब से आए हुए हैं, एंड टीवी वाले हैं, सिंगल हैं, कपल हैं, फिर उसके बाद में फिर आते हैं वो जो है तो सिंगल ही, बट उनका थोड़ा सा रिलेशन का पता नहीं चल रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली ईशा क्वेश्चन भी कुछ मार्क। क्वेश्चन मार्क में चल रही थी। एंड सो हाँ, अभिषेक, कमिंग टू योर क्वेश्चन, अभिषेक का ऑब्वियसली चीज़ें ऐसी हुई एंड वो इम्पल्सिव है अपने इमोशंस को लेके। मैंने अभी भी जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं मैंने ये चीज़ बोली ही है, एंड विद टाइम उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी किया है अपने अंदर। और क्या होता है ना, जब आपके सामने आपसे जो लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग आते हैं, तो आपको अपना पॉइंट रखना होता है, नहीं तो आप दब जाते हो। तो वो चीज़ उसको पता है कि किस तरीके से अपना पॉइंट रखना है, क्या रखना है। कहीं ना कहीं वो अग्रेसिव हुआ है, चीज़ें हुआ, बट हमने ये देखा है कि उसने कभी भी उस एग्रेशन को लड़ाई में या मारने में नहीं चेंज किया, जबकि और लोगों ने, सनी हो गया, सनी ने तकिया फेंकता है, कभी कुछ फेंक रहा है, वो लोगों ने उस उन चीज़ों को ना फेंका है, करा है, वो एग्रेशन होता है। आई थिंक चिल्लाना इज़ नॉट दैट एग्रेशन, जो कि गलत है। शो में ऐसा कुछ उसने नहीं किया, एक बार आई थिंक बिग बॉस ने वार्निंग दी थी, उसके बाद से तो उसने और ज़्यादा वो इम्प्रूव होता गया है विद टाइम। एंड उसका ये पहला रियलिटी शो है, और अभी वो बिल्कुल मतलब ऐसे जीरो से उठकर आया है, उसके लिए पहला इतना बड़ा शो है, तो ऑब्वियसली समझने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड वो पूरी जर्नी ऐसी रही है उसकी जहाँ पे उसने समझा भी है, और अब वो आई थिंक बहुत ही अच्छा कर रहा है। शुरू में ईशा के साथ पहले दिन ही एंट्री के टाइम पे कुछ नोकझोंक हो गई थी उनके साथ, कि बात हो रही है, झगड़ा हो गया, तो ये था कि 1.5 साल से वो उन्होंने जैसे कहा कि हम मिले नहीं थे या जो भी है। ईशा बोलती है कि एक टाइम पे बोलती है मैंने उसको एक दिन में माफ़ कर दिया। इस बात पे भी काफ़ी लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर आप किसी से 1.5 साल से गुस्सा हो और बिग बॉस में जाके एक दिन में माफ़ कर देना, फिर अपने रूम में जैसे दिल के अभिषेक साथ में, में बैठ यस, पे। तो आपको क्या लगता है ईशा अभिषेक के फीलिंग्स के साथ प्ले कर रही है या मतलब बिग बॉस में, या उनका कुछ था एक्चुअल में, क्या है मुझे रिलेशनशिप? से लगता है कि ये लड़की वाला क्वेश्चन ना निभी बताएगी, निभी को पता ज्यादा होगा। देखो होता क्या है ना कि जो इंसान सच्चा होता है और जो इंसान एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आता है, वो चीज़ें आपको दिख जाती है। बट जो डे वन से ही ऐसे यू नो दो नाव पे पैर रख के चल रहा है और कभी यहाँ कभी वहाँ ऑन एंड ऑफ वाला एक जो होता है अब पर्सनैलिटी लेके चल रहा है, तो वो फर्स्ट डे से ही आपको एक रेड फ्लैग दिख जाता है कि कुछ तो यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल। बट अगर हम गेम की बात करें तो ऑब्वियसली वो डे वन से ही क्लियर हो गया था कि वो लड़की वहाँ पे गेम खेलने आई थी, एंड जो भी इनका पर्सनल रिलेशन था या यू नो रहा है उस चीज़ को वो जस्ट गेम के पर्पज़ से कंटिन्यू करना चाहेगी शो में। तो जब वाइल्ड कार्ड हुई, समर्थ से हमने बातचीत की, वो बोल रहे कि मतलब उनके बॉयफ्रेंड है, और ईशा बोलती है कि मेरे पास मतलब मेरा मैं सिंगल हूँ। फिर उनके जाने के बाद फिर वो बोलती है अरे यार सॉरी मैंने बोल दिया,
मैं मतलब गलती कर ली, तो एग्रेशन पे इस मतलब एग्रेशन पे ही सारे जो मुद्दे घूम रहे हैं। समर्थ भी वही कर रहा है अंदर आके ईशा के साथ। तो आपको क्या लगता है समर्थ और ईशा का जो बॉन्ड है अभिषेक के साथ, अभिषेक पे जो इन्होंने एलिगेशन लगाया कितने हद तक सही है या गलत है, आपको क्या लगता है? क्योंकि एग्रेशन तो समर्थ भी दिखा रहे हैं शो में, उनके हाथ से कॉफ़ी फेंक देना, तो ये एक एग्रेशन में ही काउंट होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब लोगों की एंट्री हुई, ईशा की भी हुई और समर्थ की भी हुई, उनके पास पूरा कोई मुद्दा नहीं था उनके पास में। अभी तक उनके मुद्दे अभिषेक से रिलेटेड ही रहे हैं, अभिषेक की वजह से ही वो दिखे भी हैं एंड अभिषेक की वजह से ही उन लोगों से सलमान सर ने बातें भी करी हैं, तो उनके पास और कोई मुद्दा भी नहीं है और वो उन्हीं चीज़ों को मॉडिफाई करके और एम्प्लीफाई करके बोले जा रहे हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली अभिषेक काफ़ी चीज़ें नहीं बोल सकता है क्योंकि उसको पता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लड़की के बारे में उसका बोलना नेशनल टेलीविज़न पर सही नहीं है। तो यही चीज़ें हमको बताती हैं कि किसका कैरेक्टर क्या है। ऑब्वियसली आई थिंक जो कशिश ने बोला सेम चीज तो रिपीट नहीं कर सकते, बट वही है कि दिख रहा है कि उनके पास और कोई मोटिव नहीं है घर में रहने का। आई मीन कुछ ना कुछ उनको करते रहना पड़ेगा घर में टिकने के लिए, तो कहीं ना कहीं वही उनका चल रहा है कि अब क्या नया लाएंगे। इसी मतलब अभिषेक का जो जर्नी हम अब तक देखे है, तो वो उनका एक डायलॉग फेमस है, मैं ऐसा ही हूँ, तो वो सचमुच में ऐसे ही है। क्योंकि अभी रिसेंटली खानजादे के साथ उनका जो लव एंगल चल रहा है और लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा खानजादी कंफ्यूज है अभिषेक को लेके, तो आपको क्या लगता है जैसे दोनों का जो कैरेक्टर तो थोड़ा मतलब आदत है सिमिलर ही है, जो उनका जो क्यूट मोमेंट्स हम देख रहे हैं वो भी काफी अच्छा लग रहा है, बट आपको क्या लगता है कि अभिषेक उनका मतलब प्यार है, फ्रेंडशिप है या क्या है? क्योंकि आप उनके काफी क्लोज फ्रेंड है, तो फ्रेंड के फीलिंग्स तो आप समझ ही सकते हैं, तो बताइए। सारी फीलिंग समझ रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड की, क्योंकि ऑब्वियसली अभी नया नया प्रोमो आया है जिसके अंदर खानजादी ने भी बोला है एंड एक्सेप्ट किया है कि खानजादी के मन में जेन्युइन फीलिंग स्टार्ट हुई है अभिषेक के लिए, एंड आई फील कि ये रिलेशन जो बन रहा है ना अंदर, ये बहुत ही रियल बन रहा है, क्योंकि किसी रीज़न से नहीं बन रहा है। ना तो खानजादी को ज़रूरत है किसी की फुटेज की, ना अभिषेक को है, दोनों इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो दोनों एक साथ आ रहे हैं एक दूसरे की नेचर की वजह से। खानजादी जब क्यूट बनके बात करती है तो ऑब्वियसली अभिषेक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़, एंड सेम अभिषेक खानजादी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है, उसका ध्यान रख रहा है हमेशा, उन वजहों से खानजादी को बहुत पसंद आ रहा है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, मतलब गुस्से वाला होता है या फिर टू द पॉइंट होता है, एंड देन वो किसी इंसान के लिए अच्छे से करे, अच्छे से बात करे, तो ऑब्वियसली अच्छे से ज़्यादा पसंद आता है। तो खानजादी को अभिषेक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड उसने अभी एक्सेप्ट भी किया है रिसेंट प्रोमो में। ओके, अपार्ट फ्रॉम अभिषेक, अभिषेक तो चलो आप उन्हें सपोर्ट कर ही रहे हैं, उनके अलावा आपको बिग बॉस में किसका गेम अच्छा लग रहा है और आप सपोर्ट किसे कर रहे हैं अभिषेक के अलावा? आई थिंक सपोर्ट एज सच तो किसी को भी यू नो स्पेसिफिकली नहीं कर रहे, काफ़ी लोग हैं जिनका यू नो जो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक अगर हम सपोर्ट की बात करें तो देर इज़ नो वन पर्टिकुलरली दैट आई एम सपोर्टिंग। आई लाइक अंकिता और मैं चाहती हूँ कि मैं अंकिता को और देखूँ, वो उनकी जो पर्सनैलिटी है, हम इतने सालों से उनको देखते आ रहे टेलीविजन पे, शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक नाम था उनका, बट वो कहीं ना कहीं शो में नज़र नहीं आ रहा है और वो उनकी जो जर्नी है वो एक अलग पाथ पे चल रही है, सो इट वुड बी रियली नाइस टू सी मोर ऑफ अंकिता बीइंग अंकिता। वो एक ना वेब सीरीज आई थी फैमिली मैन, तो ये फैमिली वुमन वाला सीन हो गया उनके साथ में थोड़ा सा ना, कि बहुत मुश्किल हो गया है उनका ये शो में जो जैसा वो पर्सनालिटी है वो चीज़ दिखाना और साथ साथ में एज अ वाइफ अपने उस शो को साथ में लेकर चलना, क्योंकि विक्की काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर ना मतलब हावी होना, मतलब इम्पोज कर रहा है काफ़ी चीज़ें, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है अंकिता ही है जो ये एक वो रिलेशन को भी लेकर चल रही है आके। नहीं तो अगर सेम जैसा विक्की है वैसा अंकिता होती तो अब तक तो बहुत लड़ाइयाँ हो जाती एंड पता नहीं क्या क्या हो जाता, बट